माइथोलॉजी एंड व्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त उन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। वह अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्महत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे बद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों ने पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सत्तमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्यान्ह में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।